नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए समर्पित है। आज नवरात्र के 5वें दिन देवी के स्वरूप माँ स्कंदमाता की पूजा अर्चना की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। देवी स्कंदमाता कार्तिकेय यानी स्कंद कुमार की माता हैं, इसलिए इन्हें स्कंद माता का नाम दिया गया है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। कहते हैं कि नवरात्र में निसंतान दंपत्ति को स्कंद माता की विशेष उपासना करनी चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि स्कंद की आराधना से सूनी गोद जल्द भर जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं देवी स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में। माँ स्कंद माता के लिए आप रोज़ाना की तरह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। पीले फूल से माँ का श्रृंगार करें। पूजा में फल फूल मिठाई लौंग इलायची अक्षत धूप दीप और केले का फल अर्पित करें। साथ ही आप माँ स्कंद माता को केले या केले से बनी चीज़ों जैसे केले के हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इस दिन केसर की खीर का भोग भी माँ के लिए बना सकते हैं। पूजा के अंत में माँ की आरती करें और उनके मंत्रों का जाप करें।